शिविर कैसा है? ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ डूइंग रियली फाइन. बहुत मिस किया आपको मैंने भी, आप लोगों को बहुत मिस किया. हाय लव फ्रॉम महाराष्ट्र, हाय लव बैक फ्रॉम दिल्ली. हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड ब्रो. हाय पलक, गुड गोइंग ब्रो. व्हाट डू यू थिंक? क्या व्हाट डू यू थिंक? तू ही बता रहे. अरे मैं क्या बताऊँ, ये तो आपको, आप देखो पूरा शो फिर मैं बताती हूँ क्या स्क्रिप्टेड है क्या स्क्रिप्टेड नहीं है, बिकॉज सब चीज़ें तो नहीं बताऊँगी ना मैं खुद थी वहाँ पे. रिकमेंड योर फेवरेट न्यू ड्रामा. के ड्रामा यार मैंने अभी, मतलब इट्स बिन अ वाइल, मैंने के ड्रामा अभी तो कोई देखा नहीं है. एड शिविर देगा, आई थिंक ही इज़ वर्किंग राइट नाउ. आई डोंट थिंक उसको ऐड कर पाऊँगी अभी, सो लेट हिम वर्क. हाय दिशा. ओके गाइस, सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई हैव टू क्लियर, बिकॉज मैंने, चलो मैं नाम लेकर ही बोलती हूँ, मैंने दिग्विजय की स्टोरी देखी थी जहाँ पे दिग्विजय ने बोला था कि तेरी फट गई, तूने स्टोरीज हटा दी, एंड बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि शिविर की फट गई. तो मेरे को ये चीज़ क्लियर करनी थी, नो ऑफेंस फॉर एनी वन, नो हेट फॉर एनी वन, कि शिविर ने वो स्टोरी अपने मर्जी से नहीं हटाई थी और उसकी कोई फटी नहीं थी इसलिए उसने नहीं हटाई थी. आई टोल्ड हिम टू टेक डाउन एवरीथिंग बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि शिविर और लक्ष्य लड़े. और ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है. मैं सोशल मीडिया पे 7 साल से हूँ, आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड आई नो हाउ इट वर्क, कैसी चीज़ें होती हैं, कितना ज़्यादा टॉक्सिटी हो जाती है, हेट कितना ज़्यादा आता है. तो आई डेंट वॉन्ट डेम टू फाइट, स्पेशली ऐसी चीज़ पर जो आगे चल के आई डोंट थिंक वैलिड भी रहेगी. दैट्स वाई आई टोल्ड शिविर टू टेक एवरीथिंग डाउन. तो उसकी कोई फटी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि उसने जानबूझ के ये सारी चीज़ें ऐसे डिलीट की और ये हुआ. लेट मी क्लियर दिस पॉइंट ऑल्सो. हाउ कैन यू गाइज नॉट नो दैट योर एक्सेस आर कमिंग? गुड क्वेश्चन. पहली बात तो ये कि समवेयर डाउन द लाइन वी न्यू कि हाँ एक्सेस आ रहे हैं, बट किसी को ये नहीं लगा था कि उसका एक्स आ जाएगा, बिकॉज नहीं एक्सपेक्टेड था कहीं भी तरीके से, ऐसा एक्सपेक्टेड था नहीं किसी को. तो ठीक है, आकृति और आपकी लड़ाई हुई है क्या? प्लीज बताओ. आज दिस क्वेश्चन टू आकृति. हाँ सॉर्ट भी करवा दो आप दोनों का. आई एम नॉट हियर टू सॉर्ट कि हाँ कोई मेरे लिए सॉर्ट करे या कुछ भी करे, ये चीज़ें नहीं हैं. बट हाँ मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी क्योंकि शिविर के ऊपर सारी चीज़ें आ रही थी कि पहले तो तूने ये किया, पहले तूने पूरी स्टोरीज लगाई, ये किया वो किया, अब तू डर गया, अब तू डर के बैठ गया. तो दैट्स वाई हिम योर टू क्लियर दिस आउट कि आई टोल्ड हिम टू टेक दैट डाउन बिकॉज आई डोंट वॉन्टेड कि लक्ष्य और शिविर लड़े. तो ये गलत चीज़ मत कोई बोले, ये बस मुझे बोलना था. एनीथिंग एल्स गाइज? ऑल्सो मेरे ट्रॉमेटाइजिंग वाला जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. और मैंने अनसीन अनदेखा भी देखा, वहाँ भी आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज ठीक है मैंने बोला था और लक्ष्य ने कुछ और समझा, तो कोई बात नहीं. मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ गाइज, आई वॉज का मतलब था मैं पहले थी, एंड लक्ष्य को ये बात पता है कि मैं थी बिकॉज आई टोल्ड हिम कि आई वेंट टू द थेरेपिस्ट और मैंने थेरेपी ली है, सारी चीज़ें मैंने उसको बताई थी. तो उसको पता थी ये चीज़, ऐसा कुछ है नहीं. एंड हमने डिसाइड किया था कि वी नॉट गोइंग टू बी टुगेदर, तो ही नोज अबाउट इट कि मैं क्या चल रहा था एंड हाउ आई वॉज डीलिंग विद एवरीथिंग. Go back to Lakshya yaar. Guys, I'm not saying that he is a bad person. He is a very nice person. But मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं. So there's no chance because I'm very emotionally available person. Like किसी को भी need हो, चाहे वो friendship हो, relationship हो,
मुझे कोई रात में भी बोलेगा कि आई एम स्टक हियर, तो विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड मैं चले जाऊंगी कि भाई वो बंदा या वो बंदी वहाँ पे है और वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं कुछ सोचूंगी भी नहीं. एंड आई डोंट एक्सपेक्ट द सेम, बट मुझे चाहिए कि जब मेरी चीज़ें थोड़ी ख़राब हो तो लोग रहें मेरे साथ. दैट्स द थिंग. What's the most thing you like in Shivit? That he is always available for me. That what I like. Not always proper available, but हाँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं क्यों पता चल जाता है कि मेरे को चीज़ें कुछ अफेक्ट कर रही हैं, कुछ भी हैं. हम रेगुलर से बात नहीं करते हैं, बट स्टिल जब भी कुछ ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको पता चल जाता है. और ही ट्राई टू ऑलवेज कंसोल मी विद ऑल दोस थिंग्स. सो दैट व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. तो बस यही चीज़ें मुझे थी कि मुझे क्लियर करनी थी. और मुझे देवांगनी के भी टॉपिक पे बोलना था, बिकॉज मेरे को उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि अनिका आकृति बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं. वो भी मैं बता देती हूँ. सी गाइज, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो ना, और अगर आप देख रहे हो उसकी चीज़ें कि वो किस तरीके से डील कर रही है, क्या क्या फील कर रही है, और स्पेशली कुछ चीज़ें हुई थी विला में देवांगनी के साथ जिसको देख के मैं आकृति खनक बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो गए थे. और जब दिव्यांश आया, जो वो रिएक्शन निकला वो उसी का था, बिकॉज हमने देखा था देवांगनी को वो किस चीज़ से निकल रही थी और कैसा शी वॉज रिएक्टिंग एट दैट पॉइंट. तो हम नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से हो या फिर जो भी हो, तो आई डोंट थिंक कि ये होना चाहिए. इररेलीवेंट टॉपिक, तो इररेलीवेंट अगर ये टॉपिक है तो आपका कमेंट करना भी इररेलीवेंट ही है, बिकॉज आप लोग हमेशा मेरे उसमें कमेंट कर रहे हो एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ हेट. मैं यही बात बोलने भी आई थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कभी ट्रोल नहीं हुई हूँ. मैंने जैसे बोला 7 साल से I'm in this field and I'm an influencer, तो ट्रोलिंग मेरे लिए नॉर्मल है, हेट भी मेरे लिए नॉर्मल है, मुझे पहले भी मिले हैं. बट जिस तरीके से अभी आई एम गेटिंग हेट, लिटरली मेरे को वो वर्ड्स भी बोलने अच्छे नहीं लग रहे जो वर्ड्स हैं मेरे लिए यूज़ हो रहे हैं, या फिर किसी और भी कंटेस्टेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं. जिस तरीके से यू गाइज आर स्प्रेडिंग हेट, तो उस टॉपिक को बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो इररेलीवेंट है. क्योंकि अगर आप लोग ऐसे हेट्रेड वाले कमेंट कर रहे हो तो वो इररेलीवेंट नहीं है, बट मेरा यहाँ पे आके वो चीज़ को क्लैरिफाई करना इररेलीवेंट कैसे हो सकता है गाइज, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट यू आर सीरियसली ओवर रिएक्टिंग इन स्प्लिट्सविला. ओके, अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं मेरे अंदर, अगर मेरे अंदर चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, और अगर मैं फेक नहीं हूँ, तो आई डोंट थिंक दैट आई एम ओवर रिएक्टिंग. ओवर रिएक्टिंग ये वैसी ही चीज़ें होती है जब आप एक छोटे से चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर करके बता रहे हो. बट देवांगनी वाले टॉपिक में वो छोटी बात नहीं थी, बिकॉज हमने देखा है उसको वो कैसी थी. और जहाँ तक मेरी ट्रॉमाटाइजिंग वाली बात है, वो भी छोटी बात नहीं थी. आई डोंट नो हाउ यू गाइज टेक इट इन दैट वे कि आपका बहुत ओवर रिएक्ट करना वो रिएक्शन में निकला, बट आई एम लाइक दिस ओनली. और शायद से आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा, बट जिन लोगों ने मुझे देखा है पहले भी, दे नो हाउ आई एम. सो आई एम नॉट हेयर टू क्लैरिफाई ओवर रिएक्टिंग वाला पार्ट. हाँ, वेन यू एंड आकृति देवांगनी मीटिंग, लीव एवरीथिंग एल्स, हाउ वॉज योर ट्रिप टू बाली? इट वॉज अमेजिंग, लाइक टोटली अमेजिंग. Had so much fun. Why don't you post pictures with Shivit? Okay, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, you'll get to know everything very soon. Okay guys, if you want to ask anything, मतलब कोई भी और clarification चाहिए तो you can go ahead and ask. बाकी हाँ, लक्ष्य है Green Forest. I'm saying this, he is Green Forest. आप लोग जो बोल रहे हो कि अनिका is the red flag. ठीक है, मैं हूँ रेड फ्लैग, लक्ष्य है ग्रीन फॉरेस्ट, और मेरे लिए मेरा ग्रीन फॉरेस्ट शिवित है. तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं, मुझे अब कोई नहीं चाहिए. बाकी आई नो यू गाइस स्टिल कमेंट, तो ठीक है. एंड टेल मी समथिंग अबाउट
गाइस ये जो पूछ टू टेल मी समथिंग अबाउट आकृति ये वो आप जाके आकृति से पूछो ये सेकंड आइडल मैच कौन है फॉर दैट यू हैव टू वॉच द होल शो डोंट आस्क मी व्हाट्स योर इक्वेशन विद निकिला निकिला इज अ स्वीट पर्सन यार शी इज वेरी नाइस गर्ल शी इज ऑल्सो वेरी एक्सप्रेसिव हाँ मतलब उसके दिल में जो होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे खुल के बोलती है तो शिवी को बुलाओ आई डोंट नो वेयर ही इज माइंड ही इज वर्किंग व्हाट टाइप ऑफ फूड इज प्रोवाइडेड इन स्प्लिट्सविला क्या फूड मिले नॉर्मल फूड यार शिवी मस्त है ना या ही इज डूइंग रियली ग्रेट आई डोंट नो ही इज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स बाकी इफ यू वांट टू आस्क मी रिलेटेड टू एनीथिंग गो अहेड एंड आस्क मी watching show because of you thank you do you ever wear sunscreen bro sunscreen lagane ke baad bhi meko itni tanning hui hai na like cannot even explain me matlab literally mujhe lines aa gaye the sunburn ke sun tanning bhi nahi mujhe sunburn hua tha so that was horrible how was your trip it was good is mobile allowed in splits there's one more thing I want to explain it's related to shivit बिकॉज मैंने अनसीन अनदेखा में एक और चीज़ देखी एवरी वन इज़ लाइक कि अंदर क्यों बैठा है अंदर जाके बैठ गया बाहर आके लड़ क्यों नहीं रहा है एंड एवरी थिंग तो लेट मी क्लियर यू जिस दिन ये सारी लड़ाई हुई थी जिस दिन सब कुछ हुआ था शिवित की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसका बीपी लेजिट 190 हो गया था एंड ही वॉज शिवरिंग लाइक लिटरली शिवरिंग बिकॉज I was controlling him, I was there with him and he was shivering like hell. वो control ही नहीं कर रहा था कर पा रहा था चीज़ों को तो ये phone वाले topic से मुझे इसलिए याद आई क्योंकि उस time भी उसको अपनी मम्मा से बात करना था and of course reality show के कुछ protocols होते हैं जो हमें follow करने होते हैं तो उसकी मम्मा से बात उस time पर नहीं हो पाई मुझे यही बताना था कि वो अंदर घुस के नहीं बैठा था उस टाइम पे भी मैंने उसको मना कर दिया था कि प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू फाइट्स एंड ही वॉज लेजिट कंट्रोलिंग हिमसेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो आई रिमेंबर आई वॉज देयर विथ हिम उसका बीपी 190 चला गया था ही वॉज शिवरिंग जिस तरीके से ही वॉज बिहेविंग आई गॉट स्केयर्ड कि मतलब व्हाट शुड आई डू समझ ही नहीं आ रहा था बट ठीक है हाय हर्ष शुड आई ऐड यू ब्रो Harsh is here. I think I should. पता नहीं आएगा कि नहीं बट ठीक है वाले हिट मिल रहे हैं सो मुझे तो ये लग रहा है कि क्या ही होएगा How is in future आप please YouTube channel बनाओ यार YouTube channel I have a YouTube channel but मुझे ना मेरा भी मैसेज देख लिया अगर हाय हार्दिक तूने मैसेज किया है शिट आई एम सो सॉरी आई एम वाचिंग स्प्लिट्सविला फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सी यू ग्रो इट मेक्स मी सो प्राउड थैंक यू सो मच बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम 5 years थैंक यू सो मच खुशी थैंक यू सो वेरी मच योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस 17 अभी रिसेंट वाला ना तो हाँ मुझे अभिषेक बहुत अच्छा लगा था लाइक द वे ही वाज और जिस तरीके से उसने सब कुछ हैंडल किया था बहुत लाइक प्योर सोल आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है मेरी वॉइस बहुत स्लो है इफ देयर वाज नो कमिटमेंट व्हाई यू वर ब्लेमिंग हिम सो मच ट्रॉमेटाइज एंड ऑल ओके देयर वाज नो कमिटमेंट राइट बट अगर चीजें उस साइड से हैं 100% मेरी साइड से 100% है स्टार्टिंग में तो बाकी के टाइम भी मैं वही चीज एक्सपेक्ट करूंगी ना कि स्टार्टिंग में यू वर डिफरेंट विद मी बाकी के टाइम में यू वर डिफरेंट विद मी देयर इज नो कमिटमेंट बट फीलिंग्स तो थी ना फीलिंग्स तो फेक नहीं थी एंड आई डोंट बिलीव इन कमिटमेंट एंड ऑल इनफैक्ट मैं रिलेशनशिप में भी वो नहीं हुई मैं जेन्युइनली एक इंसान की फीलिंग्स पे बिलीव करती हूँ कि अगर उसकी फीलिंग्स प्योर है किसी के लिए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड जहाँ तक बात है ट्रॉमेटाइज की तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे बोलनी नहीं है माय फ्रेंड नोज अबाउट इट फ्रॉम व्हिच आई सफर्ड तो ठीक है
some pickup I am very bad with pickup lines, don't ask me. Why did you overreact in the last room? Guys, I don't know how to hide emotions. Like, I'm very expressive with emotions. Okay, I'm sorry. See, I'll try to hide everything. Like, she's a nice person, yaar. Aisa kuch nahi hai, theek hai. Main bol rahi hu na, har ek insaan na achha hota hai dil se, chahe koi bhi ho. Situation made them a wrong person. So, hum kisi ko ye nahi bol sakte ki wo tu bura hai ya fir tu ye hai wo hai. Situations hi aisi hoti hai. Aur cheeze aisi ho jati hai. To keep going. Thank you. बाकी तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. चीजें हैं. शिवित का नाम शिवित है ही नहीं ना यहाँ पे, क्या करूँ मैं. ही इज समवेयर पता नहीं कहाँ बिजी, बिल्कुल दुनिया से बाहर बिजी है आज इंसान. शिवित नॉट बायर बट ही डिड यू, ही मेड यू. शिवित इज माय टाइप ओनली. हाँ हेलो प्लीज. डिड यू एंड शिवी हैव फाइट? तो रोज का है. मतलब मैं और श्वेत, मुझे ऐसा लगता है वी आर नॉर्थ पोल और साउथ पोल. हम लोग बहुत लड़ते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज कि कोई इतनी मेजर लड़ाई नहीं होती है. इज लक्ष्य डेटिंग दिकिला? यू हैव टू आस्क देम गाइस. आई डोंट नो अबाउट दैट. गुड क्वालिटीज अबाउट श्वेत, ही इज अ गुड पर्सन. दैट इज हिज क्वालिटी. एवर स्पोक विद दिग्विजय? आई डोंट. वेयर वाज द शूटिंग डन फ्रॉम स्प्रिट्सविला? गेस वेयर. Are you guys dating or not? Question. Yes, he is. We want to know about Akriti. You have to ask this question only, huh? Please don't ask. Baki hai is theek hai. I just want to clear this thing only. Ki Shivit fattu nahi hai. और उसकी किसी भी चीज़ में फटी नहीं है. जस्ट कि मेरे को चीज़ें सोशल मीडिया पे अगली नहीं करनी हुई. दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम टू टेक डाउन एवरीथिंग. और जहाँ तक बात है मेरी ओवर एक्टिंग की तो आई एम लाइक दिस ओनली ब्रो. दैट सी यू गाइस वेरी सून. योर फ्रेंडशिप विद कशिश, इट्स गुड, इट्स गुड. दिव्यांश एंड देवांगनी, दे आर स्वीट हार्ट. यार दे आर रियली स्वीट. बट डेटिंग ईच See you soon. Bye-bye. Take care.